क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि अचानक से आसपास रखी सारी चीजें घूमने लग जाती हैं, या आपकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी के बाद अंधेरा सा होने लगता है, आपके आसपास की आवाजें आपको सुनाई देना बंद होने लग जाती हैं और आप जमीन पर गिर जाते हैं। बहुत से लोगों को तो चक्कर के साथ साथ बार बार उल्टियां भी होने लग जाती हैं। फिर हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं चक्कर खाकर दोबारा गिर नहीं जाए और कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए। चक्कर का यह डर पूरे घर के लोगों के लिए बेहद चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि अगर चक्कर के कारण सिर पर चोट लग जाए तो जान का खतरा भी पैदा हो जाता है। चक्कर के लिए डॉक्टर के पास जाने पर सिर की MRI जैसे महंगे महंगे टेस्ट करवाने पड़ जाते हैं और ऊपर से खानी पड़ती हैं महंगी और हानिकारक एंटी एंग्जाइटी गोलियां। ये गोलियां खाओ और दिन भर नींद में पड़े सोते रहो। अब बताइए, भला ये भी कोई इलाज है? तो फिर देर किस बात की। चलिए चक्कर की इस बीमारी को अपने घर में ही रखी चीजों से बनने वाले घरेलू नुस्खों की मदद से बहुत सस्ते में खुद ही ठीक करके इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। ये घरेलू नुस्खे बनाने और यूज करने में बहुत सरल भी होते हैं और पूरी तरह सुरक्षित भी होते हैं। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ई कुंजी पर। तो चलिए फटाफट बनाते हैं चक्कर खत्म करने वाला ये अचूक नुस्खा। इसके लिए हम गैस पर एक पैन रख लेंगे। अब हम लेंगे अदरक का पाउडर, जिसे हम सौंठ के नाम से भी जानते हैं। ये चक्कर के लिए एक जबरदस्त दवा है। तो हम अपने इस पैन में डाल लेंगे 1 चम्मच अदरक का पाउडर। अब हम अदरक के इस 1 चम्मच पाउडर में डालेंगे घी, क्योंकि घी जो है वो दिमाग की नसों को बहुत ताकत देता है, जिससे चक्कर जैसी बीमारी तुरंत दूर हो जाती है। तो ये 2 चम्मच घी हम इस पैन में डाल लेंगे। अदरक का पाउडर और घी, इन दोनों के मिक्सचर को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, पका लेंगे। ये हमारा मिक्सचर पककर तैयार हो गया है, इसलिए अब हम गैस बंद कर देंगे। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको यूज करने का तरीका देख लेते हैं। आपको इस नुस्खे को बनाकर खा लेना है। इसे खाने के आधे घंटे बाद तक और कुछ नहीं खाना है। इसे खाते ही आपको चक्कर आना बंद हो जाएगा। अगर आपको बार बार चक्कर आता है तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बार बार चक्कर आना बंद करने के लिए आपको ये नुस्खा रोजाना 15 दिनों तक दिन में एक बार किसी भी समय यूज करना है, और साथ में ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखें। नींद कम आने से चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए चक्कर आना बंद करने के लिए भरपूर अच्छी नींद जरूर लें। आप अपने BP का हमेशा ध्यान रखें, उसे हाई या लो नहीं होने दें। इसके लिए वॉकिंग सबसे अच्छी होती है, इसलिए वॉकिंग जरूर करें, पैदल जरूर चलें। पानी कम पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और किडनी पर असर पड़ता है। ये भी चक्कर आने की एक वजह होती है और हमें इसका पता ही नहीं होता, इसलिए दिन भर पानी जरूर पिए। सांस पूरी अच्छी तरह से नहीं लेने के कारण बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसकी वजह से भी बार बार चक्कर आते रहते हैं। इसके लिए योग प्राणायाम जरूर करें। तो दोस्तों, इस नुस्खे का यूज करें और इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें, आपको जिंदगी में कभी चक्कर नहीं आएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।